8 अध्याय 3 खनिज। खनिज किसे कहते हैं? आप लोगों को हम बताएंगे पहले कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो वे वस्तु या पदार्थ जो भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं। वे वस्तु या पदार्थ जो भूगर्भ को या पृथ्वी के धरातल को खोद कर निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। उन्हें हम खनिज कहते हैं। जो पदार्थ या वस्तु जिन्हें धरातल को खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। कुछ खनिज सागर तल के नीचे से निकाले जाते हैं। खनिज अजैव प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक यौगिक होते हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य विभिन्न खनिजों का उपयोग करता चला आ रहा है। पहले मनुष्य ने तांबे, फिर कांसे का उपयोग सीखा। इसी कारण मानव सभ्यता में ताम्रयुग, कांस्ययुग पहले आए। कांस्ययुगीन सभ्यता, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी तरह से युग एक आया था ताम्रयुग, कांस्ययुग। उस समय के जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती थी वे किससे बनती थी? या तो तांबे से बनता था या तो कांसे से बनता था। वर्तमान मशीनरी सभ्यता को यदि खनिज सभ्यता कहा जाए तो अतिशयोक्त न होगी। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिसको हम खोद करके निकालते हैं। जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, जिप्सम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट, जिरकॉन,
इत्यादि इत्यादि। देखिए खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, जो पदार्थ या वस्तु जिन्हें धरातल को खोद कर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, जिप्सम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट, जिरका इत्यादि ऐसे खनिज हैं, खनिज हैं जिसे हम धरातल को या भूगर्भ को खोद कर निकालते हैं, धरातल को या भूगर्भ को खोद कर निकालते हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे खनिज के प्रकार, खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार, खनिज के प्रकार देखिए धातु के आधार पर, धातु के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है धातु खनिज, धातु खनिज। धात्विक खनिज तो ऐसे खनिज, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें जिसमें धातु का अंश, धातु का अंश पाया जाता है धातु का अंश पाया जाता है उन्हें धातु खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं धातु खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, नहीं सोना चांदी लोहा तांबा, लोहा तांबा, लोहा तांबा, बॉक्साइट, इत्यादि। क्योंकि इन खनिजों में, अर्थात हम देखेंगे खनिज जो पदार्थ या वस्तु
जिन्हें हम धरातल को खोद कर निकालते हैं उसे हम खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, जिप्सम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट, जिरकान, जिरफाम इत्यादि। दूसरी हेडिंग है खनिज के प्रकार। नंबर एक है खनिज और नंबर दो है खनिज के प्रकार। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है धातु खनिज, तो धातु खनिज किसे कहेंगे? ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उन्हें हम धातु खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइट इत्यादि। नंबर दो है अधातु खनिज। नंबर दो है अधातु खनिज, इसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे अधातु खनिज किसे कहते हैं। अर्थात इसमें हम देखेंगे ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश न पाया जाए, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु का अंश न हो उसे हम अधातु खनिज कहते हैं, जैसे जिप्सम अभ्रक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। इसके बाद बलुआ पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट, स्लेट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, नाइट्रेट, फास्फेट ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है।